ठीक है। सो एज फार एज टुडे सेशन इज कंसर्न, देखो सीपीसी में जहां तक एमसीक्यूज की डिस्कशंस की बात है वो हम इस सेशन में आज करने वाले हैं। एज जो लोग मॉर्निंग के सेशन के स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल नो कि सीपीसी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन प्रोसेस, और एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न, ऑब्जेक्टिविटी के लिए वी हैव टू अडॉप्ट द डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ द कैंडिडेट्स हु हैव स्पेसिफिकली ज्वाइन फॉर द क्रैश कोर्स फॉर द एचपी जुडिशियल सर्विसेज, सो आप लोगों के सिविल लॉ 1 के सब्जेक्ट्स जो थे वो भी पेंडिंग थे, तो उन्हीं पे अब जो सेशंस है वो कैरी ऑन होंगे। क्लासेस जैसे जैसे शेड्यूल रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सो आई विल शो यू द फाइल ओवर हियर, ठीक है। सीपीसी के स्टार्टिंग के जो 150 क्वेश्चंस हैं, दे आर जनरली बेस्ड अपॉन द बेरेक अप्रोच, अलोंग विद दैट द जजमेंट्स आर टू बी रेफर्ड, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम डिस्कशंस करने वाले हैं। कुछ एक क्लासेस में हमने जजमेंट डिस्कस की होंगी, कुछ अदरवाइज है, कुछ एक सेक्शन हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इन द मॉर्निंग बैच, और कुछ एक जो है विल डू इन द फर्दर क्लासेस। सो वी हैव टू फॉलो दिस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके गुड। सो वन बाय वन आई एम टेकिंग अप द क्वेश्चंस। आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा मेरे ख्याल से। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे इवनिंग के क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स थे उनको मेरे ख्याल से टाइमिंग्स के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं था, तो वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। लेट अस सी कितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाते हैं। द प्रिपरेशंस मस्ट बी प्रोसीडेड विद। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव फॉर द टुडे सेशन इज इन रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 16 ऑफ द सीपीसी। सेक्शन नंबर 16 से ये सवाल है दैट इन सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी द प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, वेदर मूवेबल और इमूवेबल और नन ऑफ द अबव। सो व्हाट द आंसर यू पीपल थिंक अबाउट दिस। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज सेक्शन नंबर 16 जो है सीपीसी का, उसमें प्रॉपर्टी का जब हम जिक्र करते हैं तो किस तरह की प्रॉपर्टी की बात है। आप सभी के पास चैट ऑप्शंस होंगे, कुछ एक जो जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो चैट ऑप्शंस में यू कैन रेफर योर आंसर टू मी, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 16 के अंदर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, दैट इज मूवेबल, इमूवेबल, प्रॉपर्टीज सिचुएटेड इन इंडिया, वेदर मूवेबल और इमूवेबल एंड नन ऑफ द अबव। सो आई एम गेटिंग टू आंसर। सुरेंद्र कह रहे हैं सर ऑप्शन सी, आकृति बी कह रहे हैं। आकृति सेशन क्लासेस जब हमने डिस्कस किए हैं तो कॉपी पे लिखवाया भी गया होगा कि सेक्शन 16 के अंदर जो क्लॉजेस हैं उनमें से जो लास्ट क्लॉज है उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जनरली सेक्शन नंबर 16 के अंदर मेजर पोर्शन इज डीलिंग विद द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बट वन ऑफ द पोर्शन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मूवेबल प्रॉपर्टी। सो एज फार एज द आंसर इज कंसर्न, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वेदर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आकृति आपको इसका सेक्शन नंबर 16 में जो लास्ट क्लॉज है उसको एक बार बेरेक पे जरूर मार्क कर लेना, और मूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट ऐसा लिखा गया है वहां पे। इफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, क्लास में हमने पढ़ाया था ना आपको कि कैसे डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट की जा सकती है मूवेबल प्रॉपर्टीज की। सो जहां पे भी वो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है या डिस्ट्रेंट करके रखी गई है उस जगह पे केस जो है वो हो सकता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट का रहता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, द डिफेंडेंट शुड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस, द सेड पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 days, 90 days, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 months, और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एट ऑल, ठीक है। सो ऑर्डर 8 रूल 1 प्रोवाइजो इज देयर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो वी हैव टू आंसर इट। यस एवरीवन, अ डिफेंडेंट शुड विद इन 30 days from the date of service of summons has to present his written statement, the said period can be extended, ठीक है। देखो इसमें रिनी आप 60 डेज कह रहे हैं और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज बाकी लोग कह रहे हैं। देखो जब भी हमें एमसीक्यू में सवाल आएगा सो हमें फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स से ही टाइम कैलकुलेट करना है, एंड दैट टाइम शुड बी 90 डेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर,
जो 60 डेज होते हैं वो तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि 30 डेज के बाद आपको 60 दिन और मिल रहे हैं, लेकिन द टाइम कैन बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, इस तरीके से हमें आंसर करना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। 60 डेज तो एड ऑन कर रहे हैं ना, तो हमें प्लस करके नहीं देखना है, वी हैव टू सी ऑल टुगेदर कि बेरेक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। सो बेरेक्ट कहता है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज पीरियड। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है शिल्पा, सेक्शन ठीक है 90 डेज की बात करें। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, ठीक है वेरी गुड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 8 डील्स विद द लीगल सेट ऑफ रूल 3, रूल 5, रूल 6 और रूल 8। देखो कसक आई है, रात ही धमाका कर दिया कसक। रूल 5 में तो डीम्ड एडमिशंस है, deemed admissions, ठीक है, which of the following provision deals with the legal set off जो है that is in rule number 6, rule 6, ठीक है, Surita, Rini, Akriti, everyone is giving the right answer, very good, coming to the next point, the next question which we have is, where in a suit counterclaim has been made, द कोर्ट में प्रनाउंस अ फाइनल जजमेंट। अब काउंटर क्लेम हमने रिसेंटली डिस्कस किया है मॉर्निंग के सेशंस में, और क्वेश्चन है वेयर इन अ सूट काउंटर क्लेम हैज बीन मेड द कोर्ट में प्रनाउंस द फाइनल जजमेंट ऑन द ओरिजिनल क्लेम, ऑन द काउंटर क्लेम, ईदर ऑन द काउंटर क्लेम, सॉरी ईदर ऑन द ओरिजिनल क्लेम और काउंटर क्लेम, नॉट ऑन बोथ, एंड डी ऑप्शन है बोथ ऑन ओरिजिनल क्लेम एज वेल एज ऑन द काउंटर क्लेम। यस, so I am getting one answer from Rini, that is option number D। ठीक है, बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, that is counter claim अगर आपने being a defendant अपने written statement के साथ raise किया है तो court जब decree draw करेगा या judgment pronounce करेगा तो final judgment में क्या original claim और counter claim दोनों होंगे, क्या सिर्फ ओरिजिनल क्लेम होगा, क्या सिर्फ काउंटर क्लेम होगा, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 कैपिटल ए ऑनवर्ड्स काउंटर क्लेम का जिक्र रखा गया है, और सिमिलरली ऑर्डर नंबर 20 रूल 19 के अंदर भी काउंटर क्लेम और सेट ऑफ अगर किया जाता है तो डिक्री कैसे बनाया जाएगा। और दोनों प्रोविजंस में हमें ये पॉइंट मिलता है कि अगर कहीं पे सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की बात की गई है तो कोर्ट को ओरिजिनल क्लेम जो प्लेंटिफ का क्लेम होता है उस पर भी डिक्री देनी है, और जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट की तरफ से आया है उस पर भी अपनी डिक्री जो है, या अगर जो भी डिसीजन है कोर्ट का फाइनल जजमेंट जो है वो देना पड़ता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग सभी साइलेंट रहे हैं इस क्वेश्चन पे, अभी अभी रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ सेटिंग अप अ काउंटर क्लेम इन अ सूट, ऐसे इनमें से कौन सा वो तरीका है जिनमें से आप काउंटर क्लेम जो है कोर्ट के सामने लेके आ सकते हैं। इन अ रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 by amending the written statement with the leave of the court, in a subsequent pleading under order 8 rule 9, or all of the above. Yes everyone, CPC padho, CPC order 8 rule 1 ke andar jab first time written statement diya jata hai, we can mention the counterclaim over there itself. अगर आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करवा के ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर कोर्ट से परमिशन ले लेते हैं और उसमें काउंटर करना चाहते हैं, दैट इज आल्सो परमिसिबल। कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग आप कोर्ट के सामने रेज करते हैं ऑर्डर 8 रूल 9 के परव्यू से, जैसे कि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें भी काउंटर क्लेम किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या उसी में काउंटर होगा, ऐसा नहीं है। यू कैन फॉलो द अदर मैकेनिजम्स आल्सो, ठीक है, बाकी तरीके भी हो सकते हैं जिनको हम यहां पे फॉलो करके काउंटर क्लेम कोर्ट के सामने ला सकते हैं। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों की कॉपीज पे ये कंप्लीटली मैंने लिखवाया भी था, ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तो नहीं हुए होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म डिक्री एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी चीज जो है वो डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। यस एवरीवन, सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, अगर आप आंसर्स नहीं करेंगे तो इस सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट,
The next one is adjudication from which an appeal lies as an appealable order. Next one is adjudication under section 144. And the last one is none of the above. The second answer diya hai, option number B, that is adjudication from which an appeal lies as an appealable order. The answer is right. Theek hai, sabhi log B pe ta aa gaye. Dekho, rejection of plaint और एडजुडिकेशन जो 144 के अंदर किया जाता है दोनों को डीम्ड डिक्री माना जाता है. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर ही लिया है मॉर्निंग सेशन में. और 144 की जहां तक बात है रेस्टिट्यूशन है सेक्शन नंबर 144 सीपीसी के अंदर. एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन तो उसे भी डीम्ड डिक्री का दर्जा जो है वो दिया गया है. बट व्हेन इट कम्स टू द अपीलेबल ऑर्डर्स वो सिर्फ ऑर्डर माने जाते हैं. कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील जा सकती है वो हमारे लिए ऑर्डर ही है, वो डिक्री नहीं है. ठीक है. और इसी के साथ साथ एक डिसमिसल इन डिफॉल्ट का जिक्र होता है. डिसमिसल इन डिफॉल्ट भी हमारे लिए ऑर्डर होगा, डिक्री नहीं होगा. सो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 2 के अंदर जो डिक्री का डेफिनेशन है दैट विल गिव यू द प्रॉपर पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफेंडेंट अगेंस्ट हु An ex parte decree has been passed. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ex parte decree पास हुआ है, has a defendant against whom an ex parte decree has been passed preferred an appeal against such decree under. तो कौन से प्रावधान के अंदर अपील वो जो है ex parte के अगेंस्ट फाइल करता है? It is order 9 rule 13 section 115 96 2 और order 47. Yes everyone. So, appeal जो है, as you people are referring to option number C, section number 96, subsection 2 जो है, वो appeal की बात करता है, 913, application for setting aside the ex parte decrees की बात करेगा, section 115 revision की बात करेगा, order 47 review की बात करेगा, and section number 96, subsection 2 talks about the appeal against ex parte decrees. Very good. Surinder ji, option number A नहीं है, C है. ठीक है, coming to the next one. Which of the following provision empowers the court to pronounce the judgment upon admissions made by the parties in their pleadings? कौन सा वो provision है जिसके अंदर court parties की admissions के basis पे judgment बना सकता है? Judgment upon admission. तो ये वैसे जो जो इसका answer है वो अभी तक हमने classes में discuss नहीं किया है in the morning sessions. But generally when it comes to this particular question, so we have to follow order 14. We have to follow order 14, rule 6. Order 12, rule 6. ठीक है? Option number C में आपका जो है, order 12, rule 6 जो है, वो इसका right answer है. Order 12, rule 6 के अंदर एक concept है, that is judgment on admissions. ठीक है? आप लोग copies पे भी ये लिख सकते हैं. Judgment on admissions जो है, वो order 12 के rule number 6 के अंदर है. दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, ये बहुत बार हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जजमेंट ऑन एडमिशन कौन से प्रावधान के अंदर होगा. और ऑर्डर 11, 12 और 13 के अंदर कुछ एक टाइम की बात की गई है कि कितने समय के अंदर आपको आंसर्स देने एटसेट्रा. तो वो सारे एरियाज बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसर्न, which of the following provision empowers the court to pronounce the judgment upon admissions made by the parties? So parties agar khud hi kuch admit kar le uske basis pe court ko agar judgment banana hai, so order 12 rule 6 jo hai court ko aisa karne ke liye allow karta hai. Coming to the next one. Theek hai, so this question is basically related with the judgment. So let me see how many of you can recall the judgments which we have done in the classes. Question hai, in which of the following case the Supreme Court has held that the court has not to act blindly upon the admission of a fact made by the defendant in his written statement? Ki jeko humne order 8 ke rule 5 ke andar deemed admissions ka process samjha tha na, deemed admissions ka, ya fir generally agar defendant kuch cheez pe admit kar leta to usse kya hoga? Are options pe aane se pehle question samajh lo. Theek hai, sirf us क्वेश्चन को आंसर मत कर दो या उस जजमेंट का आंसर मत कर दो जो आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है. द आंसर मे बी समथिंग डिफरेंट. क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कोर्ट हैज नॉट टू एक्ट ब्लाइंडली अपॉन द एडमिशन ऑफ फैक्ट मेड बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट. तो अगर डिफेंडेंट अपनी डब्ल्यूएस में किसी फैक्ट को एडमिट करता है सो कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना चाहिए. कोर्ट को इस चीज का जो एविडेंस है कि प्लेंटिफ क्या कह रहा है वो प्रूव करवा लेना चाहिए. ये इस क्वेश्चन का मायने है.
जो ऑप्शंस हमारे सामने है दैट इज ओएनजीसी वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, ऑप्शन नंबर सी इसाबेला जॉनसन वर्सेस एमए सुसाए, एंड ऑप्शन नंबर डी इज पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। मेरे पास दो आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर डी के, पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। आप लोगों ने कहां पे पढ़ा है, सेक्शन नंबर 20 की एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ा है ना कि अगर एक बिजनेस है उसके ब्रांच ऑफिस भी है, कॉज ऑफ एक्शन कहीं और होता है, तो हमें कैसे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करना है, तो पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी उस पॉइंट पे है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर इशू। इसाबेला जॉनसन वर्सेज एमए सुसाई का केस, इरोनियस ओपिनियंस ऑफ लॉ अगर कोर्ट ने दिया है, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोर्ट का इरोनियस ओपिनियन है तो वो रेस जुडिकाटा का काम नहीं करता है। ओएनजीसी वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी का जो केस है ये रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए है, ऑर्डर 7 रूल 10 के लिए है, ये हमारे इस पॉइंट से वास्ता नहीं रखता है। लेकिन द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान इस पॉइंट पे था कि अगर डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में किसी चीज को एडमिट कर लिया, फैक्ट को एडमिट कर लिया, सो कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना चाहिए, कोर्ट को फिर भी प्लेंटिफ को बोलना चाहिए कि वो अपने फैक्ट्स को प्रूव करवाए। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, केस इज इंपॉर्टेंट। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, क्या पॉइंट है कि डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट में अगर कुछ उसने एडमिशन की है सो कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना है, कोर्ट को प्लेंटिफ के द्वारा कही गई चीजों को प्रूव करवा लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस एवरीवन, यस और नो करके जवाब देते रहिए। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? फोर ऑप्शंस भी है, फोर जजमेंट्स, चारों जजमेंट्स का अपना अलग अलग मतलब है। पटेल रोडवेज का सेक्शन 20 के ऊपर है, इसाबेला जॉनसन जो है इरोनियस ओपिनियंस ऑफ लॉ डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा पे है, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान इस पॉइंट पे है कि रिटर्न स्टेटमेंट में अगर कुछ फैक्ट को एडमिट किया है डिफेंडेंट ने, कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना चाहिए, और ओएनजीसी वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी रिटर्न ऑफ प्लेट के ऊपर एक जजमेंट है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस अगर नहीं है कोर्ट की तो रिटर्न ऑफ प्लेट होगा या नहीं, सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो रिटर्न होगा या नहीं, तो दैट इज ओवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, फॉर डिसाइडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है या नहीं ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, एवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट आर मटेरियल, एवर्मेंट्स मेड इन द रिटन स्टेटमेंट आर मटेरियल, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टीज मटेरियल, और नन ऑफ द अबव। यस एवरीवन, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिएगा। ठीक है, सोच समझ के आंसर करिएगा। फॉर डिसाइडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, द एवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट आर मटेरियल, द एवर्मेंट्स मेड इन द रिटन स्टेटमेंट आर मटेरियल, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज मटेरियल, और नन ऑफ द अबव। देखो क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। और भी कोई है? ठीक है, रिनी सिंह ऑप्शन नंबर ए। क्लास में एक एक चीज में आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर भी देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टीज मटेरियल, तो दैट इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन दैट वेदर द कोर्ट विल हैव द पेक्यूलर जुरिसडिक्शन और नॉट। लेकिन आप किस चीज में लिख के बताते हैं कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, आप प्लेंट में लिख के बताते हैं ना दैट दिस कोर्ट हैज अ जुरिसडिक्शन टू ट्राई द मैटर, और अगर आपने प्लेंट में ये लिखा है सो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि उसका जुरिसडिक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस कसर, द एवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट, प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ ने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं। अगर प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन एक कोर्ट के सामने लेके आया है और उस प्लेंट के अंदर ही इज मेंशनिंग दैट द कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द मैटर, तो कोर्ट प्लेंट पढ़ के देखेगा कि क्या मेरा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं, क्या पेक्यूनरी लिमिट्स के अंदर है या नहीं, क्या सब्जेक्ट मैटर है या नहीं, तो प्लेंट के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा जुरिसडिक्शन उस केस को सुनने का है या नहीं। रिटर्न स्टेटमेंट हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टी वो एक अलग विषय है। ठीक है, वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस की बात करता है, लेकिन प्लेंट में जो आप लिख के देते हैं उसके बेसिस पे कोर्ट को ये पता लगता है कि उसका जुरिसडिक्शन होगा या नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द सूट ऑफ सिविल नेचर मीन्स अ सूट इन विच द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू,
suit of civil nature means a suit in which a principal question relates to caste, religion, politics, or none of the above. Yes. कोई आंसर सही हो जाए कोई गलत हो जाए घबराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सही आंसर तक पहुंचना है और जो सही आंसर है उसको दिमाग में हमेशा रखना है ठीक है एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए दीज आर द प्रैक्टिस सेशंस यू कैन डू अ मिस्टेक बट सच मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द एग्जाम ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही आंसर कर रहे हैं दैट इज नन ऑफ द अबव बिकॉज अगर किसी केस में कास्ट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलीजन इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन और पॉलिटिक्स इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन सो वो सूट सिविल नेचर का नहीं हो सकता द नेक्स्ट वन इज ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू पीपल हैव ऑन योर स्क्रीन इज विच प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 ये बड़ा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 प्रोवाइड्स दैट Every plaint shall state specifically the relief which the plaintiff claims. कौन से रूल के अंदर ऑर्डर 7 में ये लिखा गया है कि प्लेंटिफ को जो भी रिलीफ चाहिए वो स्पेसिफिकली अपनी प्लेंट में मेंशन करेगा रूल 4, 5, 7, 8 यस अगर सही आंसर नहीं आता है ना तो बेरेक्ट अपने पास रखिए और बेरेक्ट में मार्क कर लीजिए क्योंकि उस एरिया से सवाल उठ सकता है ठीक है दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड दीज क्वेश्चंस माइट बी देयर इन योर अपकमिंग एग्जाम्स ठीक है सो आई एम गेटिंग 7 ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग बेसिकली आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर रूल 7 के अंदर ये पॉइंट है कि प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट के साथ ही जो भी रिलीफ उसको चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बार्ड अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 10 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है रेस सब जुडिस व्हाट इज बार्ड अंडर सेक्शन 10 ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट पासिंग ऑफ द एंटेरियम ऑर्डर्स बोथ ए एंड बी यस सेक्शन 10 किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है आई नीड द आंसर फ्रॉम एवरीवन यस क्विक जल्दी जल्दी आंसर करिए ठीक है सोच समझ के सेक्शन 10 देखो जब सेक्शन 10 से सवाल उठा तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सेक्शन 10 में रेस सब जुडिस हमने पढ़ा था सेक्शन 10 के अंदर एक चीज लिखी गई है दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल इफ द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट ठीक है If the matter is already pending in the competent court, yes or no? So institution पे restriction नहीं है दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान में लानी है मैंने आपके साथ discuss किया था कि अगर एक court में एक matter pending है और same party same matter को लेके एक दूसरा suit file कर देती है तो subsequent court trial नहीं चला सकती लेकिन अगर कोई interim relief देना है वो दे सकती है बिना ट्रायल चलाए अगर केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है वो भी कर सकती है दैट द कोर्ट इज नॉट बार्ड टू एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द केस विदाउट इनिशिएटिंग द ट्रायल इस चीज का ध्यान आ रहा है या नहीं आ रहा है और अगर अभी भी नहीं आ रहा है सो जजमेंट्स को याद करिए कॉपीज के अंदर जाइए और वी हैव डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स ओवर देयर पुखराज डी जैन का एक जजमेंट किया था जी गोपाला कृष्ण वर्सेस पुखराज डी जैन यस और नो किया था या नहीं किया था प्रेमलता नाहता वर्सेस चांदी प्रसाद सितारिया का जजमेंट किया था या नहीं किया था ना और उन केसेस में क्या है कि अगर एक मैटर एक कोर्ट में पेंडिंग है उन पार्टीज के बीच में और वही पार्टीज के बीच में एक दूसरी कोर्ट में एक मैटर आ जाता है तो दूसरी कोर्ट ट्रायल नहीं चलाएगी लेकिन बिना ट्रायल चलाए अगर वो केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है टेक्निकल ग्राउंड पे वो हो सकता है कॉपीज को ध्यान में लाइए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 13th का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर व्हाट इज बार्ड अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 10 में क्या रिस्ट्रिक्टेड है द ट्रायल इज रिस्ट्रिक्टेड इंस्टीट्यूशन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं केस को प्लेंटी तो लगाना है पासिंग ऑफ द इंटेरियम ऑर्डर तो किसी भी कोर्ट में अगर सब्सिक्वेंट सूट आता है वो कोर्ट इंटेरियम ऑर्डर्स देने के लिए कॉम्पिटेंट है लेकिन मैंने आपको बताया था अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस किए कि इंटेरियम ऑर्डर दे सकती है लेकिन देगी नहीं कारण ये है कि इट इज बेटर टू ट्रांसफर द मैटर टू द
कोर्ट इन विच द सूट इज फॉर्मरली इंस्टीट्यूटेड। तो इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ ट्रायल पे रिस्ट्रिक्शन है, इंस्टीट्यूशन पे या एंटेरियम ऑर्डर्स पास करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्विक। यस सर। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। देखो कॉन्सेप्ट्स में बहुत आप लोग ना गड़बड़ कर जाते हो, ठीक है। एक एक चीज इतना इलैबोरेटली डिस्कस करने के बावजूद भी यू पीपल आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल टू गिव द राइट आंसर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 10 अगेन रेस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 10 प्लेसेस बार ऑन द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट टू ट्राई अ सब्सिक्वेंट सूट इफ द सब्सिक्वेंट सूट इज पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, इधर ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ पा रहे, हिंदी में इसको उतारो कि सेक्शन 10 रिस्ट्रिक्ट करता है इंडियन कोर्ट की पावर को एक केस को ट्राई करने के लिए अगर पिछला केस जो है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो किसी इंडियन कोर्ट में है, किसी फॉरेन कोर्ट में है, दोनों में है या नन ऑफ दी अबव। द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इंडियन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट में अगर एक मैटर पेंडिंग हो, इंडियन कोर्ट में रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अगर इंडियन कोर्ट में कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है तो रेस सब जुडिस की एप्लीकेशन होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट ऑफ डैश टू सेक्शन 11 is to compel the plaintiff or to the defendant to take all the grounds of attack or defense which are open to him. कौन सा ऐसा explanation है section 11 का जो plaintiff और defendant को compel करता है कि आपके पास जितने grounds है attack और defense के वो आप लेके आइए, अगर आप नहीं लाएंगे तो क्या लग जाएगा? constructive res judicata लगेगा ना। अगर आप अपने जो भी आपके पास ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस या ग्राउंड्स ऑफ अटैक हैं, अगर आप कोर्ट में नहीं लाते, विच माइट और आउट टू हैव बीन रेज्ड बाय द पार्टीज, इफ नॉट रेज्ड, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमें मिलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन समझा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सही आंसर तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्ट फिर भी कभी कभी क्लियर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी अगर आंसर ना है तो ये बहुत एक गंभीर विषय है। क्वेश्चन नंबर 16, अ डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट हू नो रिलीफ इज क्लेम्ड। अगर कोई डिफेंडेंट ऐसा है जिसकी अगेंस्ट आप कुछ भी क्लेम नहीं करते हो, सो उस डिफेंडेंट को क्या मानेंगे? को डिफेंडेंट, इंटरप्लीडर, परफॉर्मा डिफेंडेंट और इंटरवेनर। द डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट हूम नो रिलीफ इज क्लेम्ड, नो रिलीफ इज क्लेम। सोच समझ के आंसर दीजिए। कसर डिफेंडेंट अगेंस्ट हूम नो रिलीफ इज क्लेम्ड। प्लेंटिफ अगर किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम परफॉर्मा मानते हैं ना, बिकॉज प्लेंटिफ का और उस डिफेंडेंट का ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट है, ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा है जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं मांगा जा रहा तो वो व्यक्ति हमारे लिए प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इरोनियस ओपिनियन ऑन द प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू द फैक्ट्स विच गिव राइज टू अ राइट डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। अभी अभी हाल ही में एक केस हमने क्लास में डिस्कस भी किया था इन द अर्लियर सेशंस, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इरोनियस ओपिनियन ऑन द प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड विद द फैक्ट्स विच गिव राइज टू द राइट डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। कौन सा ये केस है? क्लास में डिस्कस हुआ है रिसेंटली रेस जुडिकाटा में, लास्ट क्लास 6th या 7th डे पे जो रेस जुडिकाटा की मेरी लास्ट क्लास होती है, 6-7 दिन जो रेस जुडिकाटा लगता है, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ वो केस डिस्कस किया होगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में केस अगर हो तो सेलम एडवोकेट से आंसर होता है, दो सेलम एडवोकेट से इटसेल्फ अ लॉ, लेकिन मथुरा प्रसाद दूसीबाई वर्सेस एनबीजीजी भोए इज द केस ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द पॉइंट कि एरोनियस ओपिनियन ऑन द प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड विद द फैक्ट्स विच गिव राइट टू द विच गिव्स टू अ राइट डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। सो मथुरा प्रसाद की जजमेंट मैंने आपको
डी भी है, शॉर्ट नोट भी दिया है, पैराग्राफ एक हमने क्लास में पढ़ा भी था और उसी में से ये आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेपोजिशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा प्रेपोजिशन गलत है. सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी लेज डाउन अ रूल ऑफ प्रोसीजर ओनली. Only section 13 of CPC also prescribes a substantive law. Section 13 of CPC embodies the principle of private international law or none of the above. आपको इनमें से incorrect statement ढूंढना है. Incorrect. Question number 18 है. Incorrect statement ढूंढना. अगर ये session दो तीन मिनट में अगर बंद हो जाएगा तो आई विल रीस्टार्ट इट, एक नया लिंक आप लोगों को भेजूंगा मैं, तो उससे आप लोग ज्वाइन कर लेना. ठीक है, आज मैं कोशिश करता हूँ 50 के आसपास क्वेश्चंस हमें आज डिस्कस कर लें. ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज इनकरेक्ट. देखो, क्या सेक्शन 13 सीपीसी का सिर्फ प्रोसीजरल है? सोचो जरा, सिर्फ प्रोसीजरल है कि क्या वहां पे पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि अगर वो एस्टैब्लिश कर दे कि फॉरेन कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा? क्या उस पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि वो ये कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश कर दे कि फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट जो है वो फ्रॉड होने के बाद दिया था? यस, तो क्या सब्सटेंटिव है या नहीं, आपको ये देखना है. तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो ये कह रहा है कि सेक्शन 13 ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स अ सब्सटेंटिव लॉ, सो ये जो चीज है ये ठीक है. ठीक है, ठीक क्यों है? बिकॉज सब्सटेंटिव चीजें उसमें हमें दिखती है. सब्सटेंटिव मतलब आपको एक अधिकार मिल रहा है कि दो पार्टीज के बीच में एक मैटर था, फॉरेन कोर्ट में चला, फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया. सेम पार्टीज के बीच में वही मैटर इंडिया में आया. वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया में उस चीज को हम कंक्लूसिव मानते हैं जो फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दी, लेकिन अगर एक्सेप्शंस के अंदर चले गए तो पार्टीज ये मेंशन कर सकती हैं कि वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. तो ये एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है. क्या ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल को एम्बॉडी करता है? या आंसर इज यस, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज देयर, कंक्लूसिवनेस का प्रिंसिपल हमारा जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज फॉरेन कोर्ट का जजमेंट था. दो पार्टीज के बीच में एक एक केस था, फॉरेन कोर्ट में चला, दो पार्टीज के बीच में उसी मैटर को लेके इंडिया में केस आ गया, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है, इसका प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है. लेकिन क्या सेक्शन 13 सिर्फ प्रोसीजरल है? ऐसा लिखा है ना, सिर्फ प्रोसीजरल. सो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपस में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज नीचे हमने कह दिया कि ये सब्सटेंटिव प्रोविजन है तो ये सिर्फ प्रोसीजरल नहीं हो सकता. So section 13 is procedural as well as it is substantive. It is only procedural. ये statement गलत है. So right answer क्या होना चाहिए? Option number A, B, C, D में से right answer क्या होना चाहिए? Yes everyone, quick. Option number A should be the right answer ना, कि ये सिर्फ procedural नहीं है. Procedural के साथ साथ ये substantive भी है. ऐसा हमें section number 13 बताता है. So that is why. और ये private international law के principle को भी embody कर रहा है, because foreign court की judgments की बात आ रही है. Section number 13 के clause number C और clause number F के अंदर भी ऐसी बातें हैं. So that we have to adhere. और इसीलिए option number A is the right answer. That section 13 is a rule of procedure only. ये गलत है. ठीक है, ये गलत है. So the right answer is option number A. The next question is. Just hold on. ठीक है, सो अगला सवाल हमारे पास है. A sues B for possession, alleging that B is a tenant in arrears. A ने B के ऊपर केस किया, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है और कह रहा है कि B उसका किराएदार है और उसने किराया नहीं दिया. The suit is dismissed on the ground that B is mortgagee in possession. The suit is dismissed on the ground that B is mortgagee in possession. Court देगा कि नहीं, tenant नहीं है B, B mortgagee है. A subsequent suit by A against B for redemption is barred by rule of splitting of claim, rule of constructive res judicata, both A and B, none of the above. थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना है. ठीक है,
पिछले सूट में और नए सूट में अगर टाइटल डिफरेंशिएट कर गया तो रेस जुडिकाटा ना डायरेक्ट लगेगा ना कंस्ट्रक्टिव लगेगा। ये टेस्ट मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है, इसी टेस्ट को फॉलो करके आंसर देना।